मध्य प्रदेश में बच्चों के वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है और आज से दूसरे डोज को लेकर अभियान चलाया जाएगा। तो 15 से 18 साल के बच्चों को ये टीका लगाया जा रहा है। तो पहले डोज का लगभग टारगेट जो है हासिल हो चुका है। 3 जनवरी से पहले डोज लगने की शुरुआत भी हुई थी। तो मध्य प्रदेश में बच्चों के वैक्सीन का दूसरा चरण उसका प्रारंभ होने जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही आपको बता दें 15 से 18 साल तक के बच्चों को टीका लगाया गया था। अब दूसरे डोज की बारी है, दूसरे चरण की बारी है। तो पहले डोज का लगभग टारगेट भी हासिल हो चुका है। तो 3 जनवरी से पहले डोज लगने की जो है शुरुआत हुई थी और अब फरवरी लगने वाला है और फरवरी से अब जो है दूसरा चरण शुरू हो जाएगा बच्चों के डोज का। टीनेजर्स ने, 15 से 18 साल के टीनेजर्स ने ये टीका लगवाया था। अब दूसरे चरण की बारी है, दूसरा डोज जो है उसको लेकर आज से अभियान शुरू होने जा रहा है। तो 3 जनवरी से पहले डोज लगने की शुरुआत हुई थी और पहले डोज का लगभग जो टारगेट है वो भी हासिल हो गया था, लेकिन अब बारी दूसरे चरण की है, दूसरे डोज की है। तो 15 से 18 साल के बच्चों को अब टीका लगाया जा रहा है दूसरा। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा जुड़ गए हैं। चलिए उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। आकर्ष, दूसरे चरण को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं प्रदेश सरकार की और किस तरह से इसे मुकम्मल किया जाएगा, बताइए। शायद जिस तरीके से हमने पहले चरण में देखा था कि स्कूल में ही जो है बच्चों के सेंटर बनाए जाएंगे, मध्य प्रदेश के तमाम जो सरकारी स्कूल हैं, निजी स्कूल हैं, वहाँ पर चिन्हित किया गया है राज्य शासन के द्वारा, वो वहीं पर जो है कोविड सेंटर बनाए जाएंगे बच्चों को लेकर। जिस तरीके से हमने देखा कि करीब एक महीने में हमने पहले चरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है। 3 जनवरी से बच्चों को लेकर वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू किया गया था। 48 लाख बच्चे मध्य प्रदेश में हैं 15 से 18 साल की उम्र के। लगभग बात करें तो पूरे बच्चों को ही जो है वैक्सीन डोज लग चुका है। जो बच्चे मध्य प्रदेश में नहीं हैं या बाहर हैं या उनका डाटा नहीं है, उन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई गई है, लेकिन लगभग सरकारी आंकड़ों में जो है बच्चों को 100% वैक्सीन लगा ली गई है। दूसरे चरण को लेकर आज से जो है दूसरा चरण शुरू होने वाला है। जिस तरीके से हमने पहले चरण में देखा था कि सरकारी स्कूल और निजी स्कूल को चिन्हित करते हुए वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, यही हम भोपाल में देखेंगे कि भोपाल में करीब 60 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं सरकारी और निजी स्कूल में, जहाँ पर बच्चों को आज वैक्सीन लगेगा और पूरे प्रदेश में भी इसी तरीके से वैक्सीन लगाया जाएगा। उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से जनवरी में 100% बच्चों को पहला चरण का जो वैक्सीन लगा ली गई, दूसरे चरण में भी फरवरी माह में ही पूरे बच्चों को जो 48 लाख बच्चे हैं उनको 100% वैक्सीन लगा ली जाए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि तीसरी लहर में जो सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, जो एक्सपर्ट पहले भी आशंका जता रहे थे, वो सच साबित हो रही कि बच्चे जो हैं बड़ी संख्या में जो हैं बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में बात करें तो करीब 9 से 10 हज़ार संक्रमित एक दिन में निकल रहे हैं, जिनमें से यदि बात करें तो 500 से 600 जो हैं बच्चे शामिल हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार चिंतित है कि जो कोरोना को लेकर संजीवनी कहा जा रहा है वैक्सीन, उन बच्चों को जो जिनको लेकर केंद्र सरकार ने परमिशन दी है 15 से 18 साल तक की, उनको वैक्सीन लगा ली जाए। और आज का प्रोग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम मंत्रियों को, तमाम अधिकारियों को समीक्षा बैठक में निर्देश भी दिए थे कि जल्द से जल्द बच्चों का जो वैक्सीन का प्रोग्राम है उसे पूरा कर लिया जाए। साहिदा जी, आकर्ष, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से पहले टारगेट को पूरा किया गया, उतनी ही मेहनत की गई, तो इस बार भी लोगों की नज़र दूसरे चरण पर है। अब दूसरा डोज लगने की तैयारी है, फरवरी से शुरू हो जाएगा और अभियान की शुरुआत आज से ही हो गई है। तो दूसरा डोज अब बच्चों को लगाया जाएगा।